साथियों ने आपको थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों ही समझा दी। हमें समझ भी आ गया कि थ्योरी एक्स में एम्प्लॉय जो है थोड़ा क्रूअल होता है, थ्योरी वाई में एम्प्लॉय जो है थोड़ी गाइडेंस देता है। तो अब जब थ्योरी एक्स में वो एम्प्लॉयर जो है वो तो जब क्रूअल हो जाता है, तो जो एम्प्लॉय होता है वो इनसिक्योरिटी, टेंशन, अपने घर का प्रेशर, उसकी टेंशन में इतना झुक जाता है कि उसको पता ही नहीं वो चार दीवारी में कब कैद हो जाता है, तो थोड़ा डिप्रेस होने लगता है। लेकिन जब उधर थ्योरी वाई में वो सेल्फ मोटिवेटेड रहता है, एम्प्लॉय क्या करता है वो सेल्फ मोटिवेशन को थोड़ा सा गाइडेंस देता है और वो थोड़े से गाइडेंस के साथ वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकालते हैं। लेकिन हम हर जगह ये भी फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि जो व्यापार होता है ना वो एम्प्लॉय की वफादारी और उसके व्यवहार से होता है, और लोगों की व्यवहार और वफादारी वक्त के साथ बदल जाती है। तो अगर हम उनको हर बार थ्योरी एक्स या थ्योरी वाई हम पहले से ले नहीं सकते, लेकिन अगर ले रहे हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि उनका व्यवहार कैसा है, उनकी वफादारी कैसी है, और अगर वो बदलती हुई दिखती है तो हमें अपनी थ्योरी भी चेंज करना पड़ती है। असल में व्यापार यही है, और अगर आपके एम्प्लॉय कांच के टुकड़े हैं ना तो उनको आयना बनाना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू।